everyone. I am Dr. Shafila from IGNOU Dost. Welcome to session 105 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subjects in graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 105, that is, blank refuse include dry animal and vegetable waste या vegetable refuse. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा refuse is the waste, the material जो हमारे यूज का नहीं है, इनमें से कौन सा refuse include करता है, मतलब इनमें से कौन से refuse में dry animal एंड वेजिटेबल रिफ्यूज दोनों होता है, ठीक है। सो किसको हम लोग किस वेस्ट को हम लोग उस वेस्ट को हम क्या कहते हैं जिसमें एनिमल एंड वेजिटेबल रिफ्यूज दोनों है। बेसिकली इसका मतलब ये है, क्या उस वेस्ट को हम मिनरल बोलते हैं या नॉन कंबस्टिबल बोलते हैं या इनऑर्गेनिक बोलते हैं या ऑर्गेनिक बोलते हैं, ठीक है। सो मिनरल तो देखो आपके हर वेस्ट में है, मिनरल आपके हर वेस्ट में है। नॉन कंबस्टिबल इट कैन बी, आपका जो कोई भी रिफ्यूज है इट कैन बी कंबस्टिबल, इट कैन बी नॉन कंबस्टिबल, ठीक है। कंबस्टिबल मतलब जिसको आग लग जाती है, नॉन कंबस्टिबल जिसको आग नहीं लगती। बट हमें उस रिफ्यूज का नाम बताना है जिसमें एनिमल वेस्ट भी है, ड्राई एनिमल वेस्ट और वेजिटेबल वेस्ट। तो ऐसे को इनऑर्गेनिक तो हम डेफिनेटली नहीं बोलेंगे, बिकॉज इनऑर्गेनिक इंक्लूड पेपर, प्लास्टिक या आपका मेटल या ग्लास। सो इनऑर्गेनिक तो नहीं है। इनऑर्गेनिक रिफ्यूज जिसमें ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक बेसिकली हम कहते हैं पील्स ऑफ वेजिटेबल्स हैं या आपके एनिमल काउ डंग है, ठीक है। सो काउ डंग केक्स हैं या आपके ये आप कह लो द बगाज है, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। इवन लीव्स हैं, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। सो उस रिफ्यूज को जिसमें एनिमल और वेजिटेबल रिफ्यूज दोनों हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक रिफ्यूज। सो आंसर इज डी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। द टू मेन गैसेस व्हिच आर लिबरेटेड फ्रॉम एन एनारोबिक स्लज डाइजेशन टैंक वुड इंक्लूड, एनारोबिक मींस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, स्लज इज द लेफ्ट ओवर मटेरियल आफ्टर द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इट इज लाइक ग्रे और ब्लैकिश इन कलर्स, इट इज बेसिकली स्लरी टाइप, लाइक सॉलिड एंड लिक्विड इज मिक्सड। सो जब हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं, ठीक है, या आपका जो डाइजेशन स्लज, ये जो आपका स्लज है, स्लज इतना वेस्ट है, स्लज इज ऑल्सो वेस्ट, इट इज फुल ऑफ ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो मुझे स्लज को भी डाइजेस्ट करना है, मतलब उसको भी मुझे खत्म करना है, ठीक है। सो स्लज को डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारे स्लज डाइजेशन टैंक्स होते हैं, ठीक है, उसमें से अगर एनारोबिक प्रोसेस में यूज कर रही हूँ तो कौन सी मेन दो गैसेस निकलती हैं। सो स्लज डाइजेशन टैंक में नॉर्मली हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं जो स्लज को धीरे धीरे खत्म करते रहते हैं, उसको खाते रहते हैं, डाइजेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। सो हम उसमें से अगर एनारोबिक प्रोसेस है तो मेनली कौन सी गैसेस रिलीज हो रही हैं। ऑप्शंस आर अमोनिया CO2, CO2 CH4, मीथेन, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड या अमोनिया या मीथेन, ठीक है। सो अभी हमने लास्ट लेक्चर में सेशन 104 में डिस्कस करा था अबाउट लैंडफिल। हमने डिस्कस करा था कि अगर एनारोबिक कंडीशंस हैं तो एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मेन आपकी दो गैसेस रिलीज होती हैं, मीथेन एंड CO2। सो मेजर जो गैसेस रिलीज होती हैं इन एनारोबिक प्रोसेसेस, सो दोज आर आपका मीथेन एंड CO, वो 90 से लेके 98% रिलीज होती हैं। रेस्ट ऑफ द गैसेस लाइक अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड या CO2, ये आपकी 2 to 10%, ठीक है। सो हमसे मेन गैसेस पूछ रहे हैं, सो आंसर वुड बी बी, दैट इज CO2 एंड मीथेन। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग लीचेट्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट की लीचेट क्या होते हैं। अगर हम लैंडफिल की बात करें, लैंडफिल आपके बहुत बड़े एरियाज हैं, डग करे हुए हैं जो हमने, बहुत बड़े एरियाज जिसमें हम पूरे वेस्ट को, सिटी का वेस्ट को, इवन आसपास के सिटीज के वेस्ट को भी वहां पे डंप कर रहे हैं, ठीक है। हम डोमेस्टिक वेस्ट भी डंप कर रहे हैं, ट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट भी, ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट भी वहां पे डंप कर रहे हैं, ठीक है। ट्रीटेड वेस्ट की बात हो रही है, सो वो हम डंप कर रहे हैं लैंडफिल। सो लैंडफिल जो है ये एक इंजीनियर्ड फैसिलिटी है, मतलब इसको बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी तुमने बहुत बड़ा एक एरिया डक करा और वहां पे तुम अपना वेस्ट को डंप कर दोगे। सो लैंडफिल अपने आप में बनाने में लाइक इट इज अ प्रोसीजर ऑफ 1 to 2 years, इवन मोर देन दिस टाइम पीरियड, इससे भी ज्यादा टाइम लगता है बनाने में। सो बनाना कैसे है, यू हैव टू बी केयरफुल कि जहां पे तुम वेस्ट डंप करोगे, ऑब्वियसली अगर तुम डग कर रहे हो तो यू आर गोइंग नियर टू द वाटर, आपका जो आपका ग्राउंड वाटर है उसके नीचे जा रहे हो, उसके पास जा रहे हो। सो डग कर रहे हो, जितना डग करोगे यू आर गोइंग नियर टू द ग्राउंड वाटर, ठीक है। सो यू हैव टू एंश्योर कि जो वेस्ट तुम उसमें लैंडफिल में डंप कर रहे हो, उस वेस्ट में से अगर टॉक्सिक केमिकल लीक करते हैं वो कहीं तुम्हारे ग्राउंड वाटर में आपके ग्राउंड वाटर में लीक ना हो जाए, ठीक है। सो जो मैं लीक वर्ड बोल रही हूँ, टॉक्सिक केमिकल लीक, देखो आपका लैंडफिल है, समटाइम यू आर कवरिंग द लैंडफिल आफ्टर एवरी, जो भी आप वेस्ट डंप कर रहे हो एवरी डे, समटाइम यू आर कवरिंग द लैंडफिल, समटाइम यू आर नॉट। आप क्यों कवर कर रहे हो? क्योंकि शायद उस लैंडफिल से स्मेल आ रही है, शायद उस लैंडफिल को मैं रेन से बचा रही हूँ, अदरवाइज आपके लैंडफिल में जो भी मटेरियल है वो धीरे धीरे पानी के साथ बह के आसपास के एरिया को खराब कर सकता है। सो वी आर प्रोटेक्टिंग द लैंडफिल फ्रॉम वाटर, रेन से हम बचा रहे हैं इसलिए वी आर कवरिंग इट, ठीक है। अगर सपोज आप कवर नहीं कर रहे हो तो क्या है, धीरे धीरे क्या होएगा, कई बार क्या है आपके लैंडफिल में जो लिक्विड मटीरियल है, टॉक्सिक भी हो सकता है नॉन टॉक्सिक भी, जो केमिकल है वो धीरे धीरे नीचे सीप डाउन करते हैं। सीप डाउन करके अगर वाटर है साथ में, सो सीप डाउन करके वो नीचे आपके ग्राउंड वाटर में जा सकते हैं। सो इसको मैं बोलूं लीकिंग ऑफ केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल। सो वो जो लीकिंग हो रही है ना केमिकल्स की, उन केमिकल्स को मैं बोलती हूँ लीचेट्स। सो लीचेट्स आर द टॉक्सिक केमिकल विच आर लीचिंग थ्रू द, जो लीक कर रहे हैं थ्रू द आपके फ्रॉम द लैंडफिल्स, ठीक है। सो लीचेट्स आर द टॉक्सिक केमिकल। सो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लीचेट। सो लीचेट हमें पता चल गया कि दीज आर द केमिकल्स, इफ दे कैन बी टॉक्सिक, दे कैन बी नॉन टॉक्सिक, विच आर गेटिंग लीक्ड फ्रॉम द लैंडफिल। सो ऑप्शंस आर इट कैन बी डिस्चार्ज्ड इन वाटर बॉडीज विदाउट एनी ट्रीटमेंट। दिस इज फॉल्स, ये करेक्ट तो नहीं है क्योंकि लीचेट जो है दीज कैन बी टॉक्सिक केमिकल, इनको हम बिना ट्रीटमेंट के कहीं भी वाटर बॉडी में डंप नहीं कर सकते। दिस इज इनकरेक्ट। इट कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन इन पार्क, डेफिनेटली नो, क्योंकि दे कैन बी टॉक्सिक। इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, अगेन फॉल्स, ठीक है। सो आंसर इज इट इज जनरेटेड इन लैंडफिल। सो लीचेट्स आपके कहाँ से जनरेट होते हैं, फ्रॉम द लैंडफिल। आंसर इज डी। Which of the following material is used as landfill sealant, मतलब landfill को seal करने के लिए हम use करते हैं, for the control of gas and leachate movement। अभी हम लोगों ने बात करी कि landfill it is an engineered facility, उसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है ताकि जब तुम उसमें waste dump करो, बारिश के पानी के कारण या पानी के कारण वहां पे जो toxic chemicals हैं वो नीचे leach down ना करे, वो तुम्हारे वाटर को, ग्राउंड वाटर को अफेक्ट ना करें। तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, लैंडफिल बनाने के टाइम पे सबसे पहले नीचे हमारे पास क्ले की लेयर्स होती हैं, बिकॉज वी डू नो क्ले की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम एंड पोरोसिटी इज 0, बहुत कम होती है पोरोसिटी, पोर्स उसमें है नहीं तो गैस उसके अंदर जा नहीं रही है ज्यादा, ठीक है। और इतनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है कि पानी अगर लीच कर भी रहा है या टॉक्सिक केमिकल लीच कर भी रहे हैं उसको वो होल्ड करके रख लेगा, बट उसको नीचे नहीं जाने देगी, ठीक है। सो क्ले की दोनों जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, लिक्विड होल्डिंग कैपेसिटी है एंड मिनिमम पोरोसिटी है, वो दोनों हमें हेल्प कर रही है कि जो लैंडफिल से गैसेज रिलीज हो रही है, नीचे को जो रिलीज हो रही है उनको वो बाहर नहीं आने देता और लीचेट्स जो हैं उनको मूव नहीं करने देता टू द ग्राउंड वाटर। तो हम एज अ सीलेंट मतलब लैंडफिल में जो गैस या लीचेट्स हो रहे हैं उनको सील करके रखता है। तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, लाइम, सैंड, फ्लाई ऐश या बेंटोनाइट। सो बेंटोनाइट इज क्ले, सो वी आर यूजिंग क्ले, डेफिनेटली आंसर इज डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा फैक्ट इनकरेक्ट है। ऑप्शंस आर global warming is the rise in average temperature of the earth's climate system, this is true। so global warming हम किसको कह रहे हैं कि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, so this is true। Eutrophication is observed in water body. So eutrophication basically क्या है? It is also called algal bloom. Algal bloom या eutrophication क्या है? Because of the excess amount of nutrients in water, आपके पानी में algae की growth बढ़ रही है. So that is eutrophication. So this is also true. Greenhouse effect is a natural phenomena. This is also true. Greenhouse effect आपका natural phenomena है, जिसमें आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को अलाउ करती है टू एंटर द लोअर एटमॉस्फेयर, लेकिन वो आउट गोइंग रिफ्लेक्टेड जो IR रेडिएशंस हैं उनको जाने नहीं देती हैं. ठीक है, सो दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना, ऑल्दो बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज लाइक हमारा फ्यूल बर्निंग के कारण या डिफॉरेस्टेशन के कारण ग्रीन हाउस गैसेज का अमाउंट बढ़ रहा है, जिसके कारण ये इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, बट इट इज अ नेचुरल प्रोसेस. ठीक है, ओजोन इज हार्मलेस टू ब्रीथ, दिस इज रॉन्ग. ओजोन हार्मलेस नहीं है. ओजोन को अगर हम ब्रीथ करते हैं हमें लंग की इश्यूज हो सकते हैं, इश्यूज रिलेटेड टू लंग या पेन इन चेस्ट. सो वी मे हैव मल्टीपल इश्यूज व्हेन वी इनहेल ओजोन. सो ओजोन को ब्रीथ करना ये हार्मलेस नहीं है, इट इज हार्मफुल. ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो आपका इनकरेक्ट फैक्ट जो है दैट इज डी. So D is the answer. It is incorrect fact. So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either PG or UG degree from IGNOU, IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners. We are helping you for your exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there, who will be helping you in completing and submitting the assignments. In mentors will be helping you for your career development and even for scaling your personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.